नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सोनो से चंद्रदेव बर्नवाल की रिपोर्ट। बटिया बाजार स्थिति शून्य। 215 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों ने शुक्रवार को नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों में पड़ने वाले खैरालेवाड़, बदगामा, हरिहरपुर, बुची, खौजेर, पिंडारी, कोदवरिया, लकरा, धोबियाकुरा, शगवरिया, अशौता, उखरिया, मंडिया तथा सिद्धेश्वरी आदि गांव में बसने वाले गरीब, असहाय, निर्धन तथा वृद्ध महिला और पुरुषों के बीच शिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सैकड़ों कंबल और मच्छरदानी का वितरण किया। बटालियन कमांडेंट मुकेश कुमार पासवान के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सुदूरवर्ती नक्सली क्षेत्रों से आए लोगों ने कंबल और मच्छरदानी प्राप्त कर काफी खुशियां महसूस किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमांडेंट मुकेश कुमार ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लोगों की सुरक्षा के अलावा असहाय गरीबों की जरूरतें भी पूरी करती है। उन्होंने कहा कि शिविर एक्शन प्रोग्राम का उद्देश्य प्रशासन और आम लोगों के बीच मधुर संबंध विकसित करते हुए उनके बीच सामंजस्य स्थापित कर विकास में सहायक बनना है। मौके पर उपस्थित कंपनी के सहायक कमांडेंट धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सीआरपीएफ जनता की सेवा में हमेशा तत्पर है तथा आम लोगों के लिए सीआरपीएफ का दरवाजा सदा खुली है। कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के द्वारा ग्रामीणों से अपील की गई है कि आप सभी लोग अपनी विकास में भागीदारी बनते हुए सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त करें। वहीं उप कमांडेंट ब्रिजेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि हम लोग गरीबों और असहाय लोगों के बीच इस तरह का कार्यक्रम हमेशा करते हुए एक दूसरे के बीच विश्वास पैदा कर आम जनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। मौके पर उपस्थित झाझा डीएसपी भास्कर रंजन ने महुआ से बनी देशी शराब का प्रयोग करने से होने वाली क्षति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए शराब का सेवन नहीं करने का अपील किए। इस मौके पर इंस्पेक्टर श्री कौत्रिपाठी, उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव, सहायक उप शून्य निरीक्षक गुरदीप सिंह, हवलदार महेंद्र कुमार एवं आरक्षी सुमित्रा गौराई के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण जनवरी सोनो थाना की पुलिस व सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। ये सब गाँव के जो गरीब जनता है, सुख सुविधाओं से वंचित जनता है, उन सब के लिए हम सिविक एक्शन कार्यक्रम के तौर पर के तहत कंबल और मच्छरदानी का वितरण किया और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को इससे लाभान्वित किया। तो सर ये इससे इसके बाद भी कार्यक्रम होगा सर आपके द्वारा? ये हमारा सतत लगातार चलने वाला प्रक्रिया है, प्रोसेस है और अभी पिछले दिनों भी हमने किया था और आगे आने वाले दिनों में भी हम इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हेल्थ कैंप भी लगाएंगे, आप देख सकते हैं कि उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए कई सारी समस्याएं, उसको भी निदान के लिए डॉक्टर और दवाओं के साथ हम यहाँ पहुँचेंगे और स्वास्थ्य का कैंप भी लगाएंगे और दूसरे अन्य ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जैसे कई ऐसे घर हैं, गाँव हैं जहाँ पर लाइट की अभी तक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर हम उन लोगों को लाइट भी, सोलर लाइट वगैरह भी लगाने का कार्य करेंगे। हाँ सब कुछ खिला।